एसएससी सीपीओ जो भी दे रहा है उसको ये वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है। जो नया लड़का लोग है, जो नया न्यू फ्रेशर्स है, जो एसएससी सीपीओ के बारे में नहीं जानता है, वो बंदा जान सके कि कट ऑफ कैसे होता है। तो उसका कट ऑफ के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला है। जो एसएससी सीपीओ 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, पार्ट वन का जो है कट ऑफ आज बताने जा रहा है। तो एसएससी सीपीओ में मैं जानता हूँ कि जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भी एग्ज़ाम होता है तो उससे बहुत कम मार्क्स में निकलता है एसएससी सीपीओ का कट ऑफ। तो इसी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो विद प्रूफ के साथ जो 2016 का जो एसएससी वेबसाइट से जो रिज़ल्ट निकला था उसी को दिखा के आपको दिखाने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एसएससी सीपीओ का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट से निकाला गया है 2016 का सीपीओ का कट ऑफ का। तो मेल कैंडिडेट्स की सबसे पहले बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 67.75 मार्क्स, और एसटी के लिए 67.25 मार्क्स, और ओबीसी के लिए 77 यानी 77 मार्क्स, और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 मार्क्स, और अनरिजर्व कैंडिडेट्स जो जनरल वाला है 89.75 मार्क्स। ये कट ऑफ का लिस्ट है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए। अभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बारे में बात करते हैं। और जो एससी कैंडिडेट के लिए जो फीमेल है 60.25 कट ऑफ है, और एसटी के लिए 58.25 कट ऑफ है, ओबीसी के लिए 69.50 कट ऑफ है, और जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स जो है जो जनरल है उसके लिए 83.50 का कट ऑफ है। तो यही दोस्तों, ये जो 2016 का जो पार्ट वन एग्ज़ाम की कट ऑफ का लिस्ट है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत कम है जो एसएससी सीपीओ का जो कट ऑफ निकला है। तो उसके बारे में और जो सीजीएल वगैरह में देखे हो तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ निकलता है। तो ट्राई कीजिए अच्छे से, तो और इसका एग्ज़ाम निकालिए। बाकी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कट ऑफ निकालता है। तो मेरा उम्मीद है कि 2017 में जो सीपीओ होगा इससे 2, 3 या 5 मार्क्स ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए उसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा अच्छे से, ढंग से प्रैक्टिस करने का और प्रैक्टिस करके मार्क्स निकालने का। ऑल द बेस्ट दोस्तों। इसी टाइप का वीडियोस बनाते रहेंगे दोस्तों। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नया नया अपडेट्स देते रहेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की वगैरह, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। एसएससी सीपीओ और असिस्टेंट कमांडेंट का जो यूपीएससी कनेक्ट करता है उसके बारे में रिलेटेड में अपडेट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे अपडेट करने के लिए। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।